बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने का अवसर दिया, क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर मैं आऊँगा। क्योंकि कैमरे को बंद करने को लेकर अभी सदन में हल्ला हो गया, छोड़ो चीज को प्लीज। क्योंकि ये संसद ने एक परंपरा अभी एस्टेब्लिश किया है कि विपक्ष के लोगों को नहीं दिखाया जाए, संसद एस्टेब्लिश किया है, ये हमारा कल्चर नहीं है। राखी बिंद्रा जी के उसमें भी दूसरी बात बंद हुआ है। अध्यक्ष महोदय कि छठ पूजा पूर्वांचल के आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, और दिल्ली में जो पूर्वांचल वासी हैं वो छठ पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 2020 से पहले दिल्ली में जितने यमुना के घाट हैं सभी यमुना के घाटों पर छठ पूजा मनाया जाता था, खूब धूमधाम से मनाया जाता था। हालांकि इसमें मैं अपनी सरकार को, अरविंद जी केजरीवाल जी की सरकार को, और मैं धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे आने से पहले केवल 68 जगहों पर सरकार छठ पूजा का आयोजन करती थी, अब वो बढ़कर 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होता है। लेकिन 2020-21 में कोरोना के कारण एक नोटिफिकेशन DDMA ने निकाला और कहा कि महामारी होने के कारण यमुना के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। पूर्वांचल वासी, चूंकि छठ पूजा साफ सफाई का पूजा है और लॉ अवॉइडिंग सिटीजन है, हमने इस बात को स्वीकारा। क्योंकि भीड़ बहुत होती है और लाखों लोग यमुना के घाट पे आते हैं, तो सबने ये माना कि कोरोना के महामारी में ये छठ पूजा का आयोजन यमुना के घाट पे ना हो जब तक कोरोना है। लेकिन 2023 में यमुना के घाटों पे छठ पूजा का आयोजन नहीं हो पाया। अब यमुना के जितने भी घाट हैं वहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, छठ पूजा का आयोजन करते हैं। अब इससे दो नुकसान हुए, एक कि बहुत सारे लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ा, और हर बार छठ में जो रेलवे में और दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो भीड़ भाड़ आप देखते हैं उसमें और बढ़ गई, और वे कई बार हादसे भी होते हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि जब कोई भी, चाहे पूर्वांचल के लोग हों या कहीं से जो दिल्ली में आए हैं, ऐसा नहीं है कि बुढ़िया बिस्तर लिया और यहाँ आया, वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी भाषा, अपने संस्कार सब साथ लेकर आया। हमारी सरकार ने ये इंश्योर किया कि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनका पर्व सब संरक्षित रहे। लेकिन DDMA के उस नोटिफिकेशन के कारण 23 में पूजा नहीं हो पाया। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर को भी और माननीय LG साहब को भी, LG साहब को इसलिए चूंकि DDMA का चेयरमैन LG साहब हैं, और ये नोटिफिकेशन DDMA के द्वारा निकाला गया है, तो मैं LG साहब का भी ध्यानाकर्षण इस सदन के माध्यम से कराना चाहता हूं कि यमुना घाट पे जैसे पहले छठ पूजा होता रहा था उसी तरह से इस बार भी पूजा हो। कई बार ये एक मिथक मिथ फैलाया जाता है कि नहीं, छठ पूजा होगा तो प्रदूषण होगा। मैं सदन के माध्यम से सदन को भी और सभी कंसर्न, चाहे LG साहब हो, बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि छठ पूजा में कोई विसर्जन नहीं होता, ये साफ सफाई का पूजा है। लोग घर की साफ सफाई करते हैं, नदियों की साफ सफाई करते हैं, तो इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता। और अगर इसी लॉजिक को अगर बाय भी करें तो यही यमुना दिल्ली से पहले जहां जहां उसमें पूजा होता है, दिल्ली के बाद में जहां जहां है वहां पूजा होता है, गंगा मैया के किनारे जितनी भी जगह हैं हर जगह पूजा होता है, तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय LG साहब को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार DDMA का जो कोरोना के महामारी के समय में नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए और पहले की तरह पूजा हो। चूंकि दिल्ली में ही इसी यमुना घाट पे 2015 से हमारी सरकार है और खूब धूमधाम से हम पूजा कर रहे थे, तो उसमें नया कुछ तो नहीं आया है। तो आखिर
फिर वो पूर्वांचल वासी यमुना किनारे जाकर धूमधाम से पूजा करते थे, उनको किस कारण से वंचित किया जा रहा है? तो मैं आपके माध्यम से सदन का भी, माननीय मंत्री जी का भी और माननीय एलजी साहब का भी ये ध्यानाकर्षण चाहता हूं और निवेदन कर रहा हूं कि अब इस बार का छठ फिर से यमुना के किनारे, चूंकि नदी के किनारे ही ये पर्व मनाया जाता है, तो यमुना मैया के किनारे छठी मैया की पूजा आराधना पहले की भांति हो। बस मैं यही सदन का और माननीय मंत्री ध्यानाकर्षण चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।